पर एक रानी के साथ तुम लोगों ने इतनी बदसलूकी की, उसके हाथ बांध दिए। पैर की बात है। धमकी ना किसी और को देना, मैं तुम्हारी धमकियों से डरती नहीं हूँ। मैं रानी हूँ, सब जी मदार गए। देखो मैं क्या कर गई। लेकिन तू लेडी अमिताभ है तो मैं अभी तो कब महारानी का आतंक कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखिए ना, महारानी का कहर आ गिरा है रानी के ऊपर। काम तो तू चुड़ैलों वाली कर रही है और नाम रखी अपनी महारानी। महारानी ने रानी को कर लिया है किडनैप, वो भी एक साजिश के चलते। रानी तो अनेक होती है लेकिन महारानी सिर्फ एक होती है, और महारानी के काम में अगर कोई डिस्टर्बेंस पैदा करे महारानी गुस्सा आता है। सो सिंपल, तू महारानी को उसका काम करने दे तो महारानी तुझे यहाँ से आजाद कर देगी। जी हाँ, रानी को पता चल गया है महारानी के साजिश के बारे में, जिसके बाद महारानी नहीं लेना चाहती है कोई भी रिस्क, और इसीलिए कर लिया है रानी को कैद और दे दिया है एक नया ट्विस्ट। तुझे यहाँ बांध कर रखा है तेरा भाषण और ज्ञान सुनने के लिए नहीं, समझे? काट दूंगी ये, न बजा पाएगी न कमा पाएगी नेक। तो ये तेरा गुस्सा और जुस्सा दोनों नीचे। मुझे ना तुम्हारी ये धमकियों से डर नहीं लगता, और एक बात और, रानी किसी से डरती नहीं है, समझी? महारानी का राज पता चला कि महारानी यहाँ पे है। उन्होंने करीना रवीना को बातें करते सुन लिया था, तो सबको बताएगी ऑब्वियसली। तो वो इससे पहले कि सबको बताए उसको किडनैप कर दिया गया ताकि वो किसी को बता ना पाए। भाई रानी ठहरी है सौम्या की खास दोस्त, और ऐसे में रानी ना दे सौम्या को महारानी का सच बता, इसीलिए महारानी ने दे दी है रानी को ये सजा। मैं जो सौम्या के साथ